नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कर रहे हैं, हमने बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड किए, उसके डेरिवेटिव्स किए, फिर हमने अमीन्स किए, हम नाइट्रोजन के कंटेनिंग कंपाउंड कर रहे हैं। उसको करते करते हम उसके आखिरी सिरे में पहुंचते जा रहे हैं, और वो सिरा में आ रहा है अब हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट। अभी मैं पहले इसको लिखती हूँ, फिर आपको समझाते हैं बच्चों क्या होता है ये डाइजोनियम सॉल्ट। ये डाइजोनियम सॉल्ट में देखो बच्चों दो चीजें दिखाई दे रही हैं, है ना। डाइएजो, क्या चीज दिख रहा है? डाइएजो बच्चों, और दूसरा दिख रहा है ओनियम। समझ आ रही है बात? दो चीजों से बना हुआ मिश्रण। क्या मिश्रण है? डाइएजो और ओनियम। अब ये डाइएजो किस भला का नाम है? देखो, जिन भी कंपाउंड्स में, जिन भी मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन ग्रुप रहता है, उसको जो हमारी केमिस्ट्री की भाषा है उसमें नाइट्रोजन को हम एजो बोलते हैं, एजो। अगर हमने नाइट्रोजन नहीं बोला, हमने एजो बोला, तो हम उसको एजो बोल सकते हैं। और यहां क्या बोल रहा है? डाई एजो। डाई वर्ड कहां यूज होता है? दो। तो मतलब हुआ दो नाइट्रोजन अगर हैं तो हम उसको, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल नहीं, सिंगल नाइट्रोजन की बात करें तो हम उसको वर्ड यूज कर सकते हैं। उसका लफ्ज कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? डाइएजो। और ये ओनियम, कुछ जाना पहचाना नाम लग रहा है। ओनियम जाना पहचाना नाम है, क्योंकि हम आए दिन किसका इस्तेमाल करते हैं? अमोनिया। और किससे निकला है ये? अमोनियम। तो अमोनियम से निकला हुआ शब्द तो हम ओनियम बोलते हैं। तो वो कंपाउंड जो इन दोनों के मिश्रण से बना है, मतलब कुछ तो अमोनिया जैसा है और कुछ इसमें दो नाइट्रोजन है, तो दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो हमारे कंपाउंड को हम बोल देते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। अब बोलोगे सॉल्ट क्यों है? देखो बच्चों, सॉल्ट वो कंपाउंड होते हैं, नमक क्या होता है? NaCl, Na पे प्लस, Cl पे माइनस। तो सॉल्ट हमेशा कैसा रहता है? एक कैटाइन, एक एनाइन। तो इधर भी देखो, एक N2 प्लस और Cl नेगेटिव, ये क्या हो गया? कैटाइन, और ये हो गया एनाइन। तो ये हमेशा सॉल्ट के फॉर्म में रहता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। तो समझ आ गई डाइजोनियम सॉल्ट। और इसकी जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो है डाइजोनियम क्लोराइड, जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा। देखो क्या स्ट्रक्चर लिखा है मैंने, डाइजोनियम क्लोराइड। इसको बोलेंगे डाइजोनियम डाइएजोनियम। एजो का मतलब दो नाइट्रोजन, और नियम का मतलब N2 के ऊपर प्लस जो आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? डाइएजोनियम। और क्लोराइड का मतलब इसके साथ जो भी चीज जुड़ी है, जो भी सॉल्ट जुड़ा है, ये डाइजोनियम क्लोराइड भी होता है, डाइजोनियम हाइड्रोसल्फेट भी होता है। इसके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हम क्लोरीन को हटा सकते हैं, SO4 को जोड़ सकते हैं, नाइट्रो को जोड़ सकते हैं, तो बहुत सारे डाइजोनियम सॉल्ट हमें मिल जाएंगे। हम इस N2 के Cl को रिप्लेस कर सकते हैं, हम Cl की जगह सल्फेट डाल सकते हैं, हम BF3 डाल सकते हैं, तो कितने सारे हम डालने से नए हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट्स बनते जाएंगे। चलो मैं एक दो एग्जांपल्स बता दूं आपको, जैसे कि हम लिखें यही चीज। अब मैंने क्या कहा आपको, हमने इसमें से
क्लोरीन को हटाना है। अब मैं क्या चीज को डालूंगी इसमें, H2SO4, तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन। चलो पहले बेंजीन छोड़ते हैं, हम सिर्फ डाइजो पे बात करते हैं, हम बेंजीन को छोड़ देते हैं, अभी मैंने नॉमनक्लेचर नहीं बताया, मैं बताऊंगी डाइएजोनियम सल्फेट। हो गया, क्या किया मैंने, क्लोरीन वाले पार्ट को हटा दिया, मैंने उसमें सल्फेट डाल दिया, तो नाम भी बदल गया, सल्फेट हो गया, है ना। अब ये तो हो गया एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण हो गया कि हम Cl को बदल के सल्फेट डाल दें, हम Cl को बदल के Br डाल दें। अब मैं ऐसे लिखूं तो मैंने बोल दिया डाइएजोनियम ब्रोमाइड, ठीक हो गई बात। तो ये तो जनरल नाम हो गया कि हम कुछ भी इसका नाम कर सकते हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री की भाषा होती है, पहले भी आप करते आए हो, एसिड में आपने देखा, एसिड क्लोराइड में आपने देखा, एमाइड में आपने देखा, अमीन्स में आपने देखा, तो क्या देखा कि हमें एक केमिस्ट्री की भाषा में भी कंपाउंड का नाम देना होता है, उस भाषा को क्या बोलते हैं, आयुपेक नेम सिस्टम। तो एक कॉमन यूज कर सकते हैं, एक आयुपेक कर सकते हैं। अब ये जो डाइजोनियम सॉल्ट हैं, इसको ज्यादातर क्योंकि इसके साथ जो जुड़ा रहता है वो हमेशा एरोमेटिक वाला पार्ट जुड़ा होता है, इस पार्ट को हम बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसका नाम ही बेंजीन से श्रृंखला को जोड़ते चले जाते हैं, मतलब कि इसका नाम क्या होगा, क्योंकि बेंजीन का डेरिवेटिव, तो ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, कौन सा डेरिवेटिव है, डाइजोनियम सॉल्ट। अब वो हाइड्रोजन सल्फेट है, वो क्लोराइड है कि वो ब्रोमाइड है, पर नॉमनक्लेचर करने का तरीका क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, है ना। तो मतलब कॉमन नेम तो आपके पास है डाइजोनियम सॉल्ट, लेकिन जुड़ेगा किसके साथ, बेंजीन के साथ, तो हमें बेंजीन भी डालना है और डाइजोनियम सॉल्ट भी डालना है। चलो अब हम बनाते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो अब हम लिखें ये नाम N2Cl, हम इसको N2Cl करके भी लिख सकते हैं, हम इसको प्लस और माइनस भी लिख सकते हैं। प्लस और माइनस क्या करता है, न्यूट्रल, एक चार्ज दूसरे चार्ज को बैलेंस करता है, हम उसको न्यूट्रल भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, क्या बताया मैंने आपको, क्या चीज जोड़नी है, ये तो हो गया डाइजोनियम क्लोराइड, ये क्या है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बिल्कुल सही सही चल रहे हैं हम। अब इसी में Cl को हटाना है हमने, हम क्या बना रहे हैं इसको, ब्रोमाइड बना रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड। तो नाम तो आप समझ गए, नाम देने का तरीका क्या हो गया, बेंजीन, ये तो समझ गए, इसका मतलब एजो, कैसा एजो, दो नाइट्रोजन उसके ऊपर प्लस नियम, N2 प्लस डाइएजोनियम, क्यों, N2 हो गया डाइएजो प्लस हो गया ओनियम, तो उसकी वजह से इसका नाम तो डाइजोनियम, ये हो गया क्लोराइड। अब जोड़ा किसके साथ, बेंजीन के साथ, क्योंकि यही श्रृंखला में हमें डाइजोनियम सॉल्ट्स मिलते हैं, तो बेंजीन के साथ हमने क्लोराइड को जोड़ दिया तो बन गया डाइजोनियम क्लोराइड, हमने ब्रोमीन को जोड़ दिया तो डाइजोनियम ब्रोमाइड, अब आप फॉस्फेट, ये सल्फेट जोड़ दो तो सल्फेट, आप BF4 जोड़ दो, क्या बना सकते हैं, चलिए इसका नाम बता सकते हैं आप, सोचो कि बिल्कुल हटके तो नहीं आ गया कुछ, BF4, अब इसका नाम क्या होगा, ये तो डाइजोनियम तो कहीं नहीं जाना, अब आपको नाम किसका देना है, जो इसके साथ जुड़ा है, बोरान फ्लोराइड, है ना, बोरान फ्लोराइड, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजीन, इसके दो तरीके से बोल सकते हैं हम, डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, है ना, इसका नाम फ्लोरोबोरेट, है ना, इस BF4 को क्या नाम देंगे हम, फ्लोरोबोरेट, ये बोरेन का कंपाउंड है, बोरान पीरियोडिक टेबल लिथियम, उसके आगे चलो, है ना, तो बोरान है, बोरान का बोरेट सॉल्ट है, क्या सॉल्ट, मतलब उसके साथ क्या जोड़ा है, फ्लोराइड, तो ये बन जाता है फ्लोरोबोरेट। अब साथ में क्या जुड़ गया,
बेंजीन, डाइजोनियम, तो नाम देना देखो बच्चों कितना आसान हो गया। तो डाइजोनियम सॉल्ट्स का नाम देना बेंजीन से निकाल के एजोनियम हमारे को याद रखना है और उसके साथ क्या सॉल्ट जुड़ा हुआ है। चलो ये तो हो गया इसका नाम। अब क्या हुई इसके साथ कहानी, ऐसी कहानी हुई कि दो तीन साइंटिस्टों ने इस पे काम किया और बोला इसका स्ट्रक्चर क्या है। मैंने तो ऐसा लिखा, मुझे तो समझ आ रही है, लेकिन ये नाइट्रोजन किस फॉर्म में है। किसी ने नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड से जोड़ा और किसी ने नाइट्रोजन को ट्रिपल बॉन्ड बता दिया, क्योंकि हमें क्या देखना है सॉल्ट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो पहला नाम था, पहला जो उसने स्ट्रक्चर दिया, पहले हम वो लिखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, ग्रिस फॉर्मूला, GRISS, ग्रिस फॉर्मूला। उसने क्या इसका स्ट्रक्चर लिखा, स्ट्रक्चर ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, इसी से सारा हमें पता चलता है। अगर स्ट्रक्चर ही नहीं पता चलेगा तो आप किसकी रिएक्शंस ही नहीं कर पाओगे। इसका मेथड बनाने का मुश्किल नहीं है, इसकी रिएक्शंस मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता। तो ग्रेस ने फॉर्मूला दिया, उसने कहा इसका स्ट्रक्चर भाई जी ऐसा है, ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में है। अभी मैंने जो लिखा, मैंने तो लिखा N2+Cl, इसने कहा जी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो बेंजीन के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे तरीके से जुड़े हुए हैं, और इसके साथ क्लोरीन ऐसे जुड़ा है, और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ग्रिस का फार्मूला क्या बता रहा है, दोनों नाइट्रोजन जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, बेंजीन के साथ जुड़ गए। इसका नाम भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो नॉमनक्लेचर से क्या बताया मैंने, एजो, एजो का मतलब नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन मतलब डाई एजा, एजो हो गया, क्लोराइड का मतलब क्लोराइड जोड़ दिया, बगल में बोला बेंजीन, तो ये भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। मगर ये स्ट्रक्चर जो है कुछ तो प्रॉपर्टीज, कुछ रिएक्शंस तो एक्सप्लेन कर पा रहा है, मगर सारी की सारी रिएक्शंस नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, क्योंकि ये तो मैंने इसको ऐसे करके आपको समझाने के लिए लिख दिया प्लस और माइनस, पर उसने स्ट्रक्चर तो ऐसा दिया। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी थी कि ये सॉल्ट की तरह जो इसका व्यवहार है, बिहेवियर है, होता ना बिहेवियर, आपका व्यवहार, बोलते हैं व्यवहार कुशल होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए, तो बिहेवियर क्या होता है, व्यवहार। इसका व्यवहार कैसा है, सॉल्ट की तरह। सॉल्ट में क्या होता है, प्लस भी और माइनस भी, सॉल्ट को पानी में डालो तो सॉल्युबल हो जाता है ना। तो कुछ चीजें तो इसकी मिलती थी, कुछ चीजें इसे बोला नहीं मिलती है। वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि इसका सॉल्ट लाइक बिहेवियर क्यों है, ये सॉल्युबल क्यों है, सॉल्युबल पानी में है ये, मगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं है। तो इसका मतलब है जो ऑयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, कुछ तो इसका ऑयनिक जैसा करेक्टर है। तो ये चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ये चीज है, और कुछ रिएक्शंस हैं कि इसको हम रिप्लेस कर लें। जैसे अभी आपको मैंने एक कंपाउंड का एग्जांपल दिया, मैंने क्या दिया आपको, मैंने बोला N2Br भी हो सकता है, तो मतलब है Cl को हटा के Br भी बना सकते हैं। तो कुछ ऐसी रिएक्शंस तो ये शो करता है, अगर आपने पहले पढ़ा हो, 12th में पढ़ा हो, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो, BSc के ग्रेजुएशन में, तो आपने देखा होगा कहीं कहीं पर एक रिएक्शन का नाम आता है सैंडमेयर रिएक्शन। वो सैंडमेयर रिएक्शन इसी की बनी हुई रिएक्शन है। तो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, ये उदाहरण बन ही नहीं सकता कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं वो रिप्लेस नहीं कर पा रहा। तो उसने बोला जी ये रिप्लेस वाली रिएक्शंस जो है बिल्कुल शो नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं। फिर आ गया जी हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर। अब इसका नाम तो बहुत सुना होगा तुमने, कैकुले स्ट्रक्चर। सुना है कहीं पर कैकुले का नाम? हाँ जी, ये वही कैकुले जी हैं जिन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया। क्या दिया था उसने, बोला था कैकुले स्ट्रक्चर है ना, कि ये जो है बेंजीन में तीन डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, तो वो कैकुले बहुत आता है उसका बात। तो कैकुले ने भी बोला कि नहीं भाई मैं आपको बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर क्या है। कैकुले ने बोल दिया ये जो बेंजीन है इसके साथ ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड करके जुड़े हुए हैं। कैसे डबल बॉन्ड, हम अभी आगे जब पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा नहीं भाई ये ऐसा नहीं है। उसने कहा ये N और Cl, ये नाइट्रोजन तो है, डाइजोनियम भी है, दो डबल नाइट्रोजन है, एक बेंजीन है, क्लोराइड है, नाम तो आ जाएगा, बट ये जो है यहाँ क्या दिखा रहा है, देखो आप, दो और एक, दो और एक, इसकी तो कहानी ठीक हो गई, नाइट्रोजन की वैलेंसी अपनी आ गई, नाइट्रोजन की वैलेंसी हमेशा
तीन होती है या प्रेफर करता है मैं चार में रहूं, उसको अच्छा लगता है चार में। चार में वो कब होगा? जब उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो यहां तो वो कह रहा है कि इसके आपस में जो ये ऐसे जुड़े हुए हैं, लेकिन वही कहानी हो गई, इसने काफी रिएक्शंस तो बता दी, रिप्लेस कर सकते हैं, क्लोरीन हटाया, ब्रोमीन डाला, ब्रोमीन हटाया, सल्फेट डाला, लेकिन इसका जो ऑइन लाइक करेक्टर है वो कहां चला गया? वो तो चाहिए। और ऑइनी करेक्टर क्या बताता है? सबसे पहले जी ये तो सॉल्युबल है पानी में, और ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल नहीं है। तो बोला जी भाई नहीं, कैकुले का स्ट्रक्चर जो है कुछ प्रॉपर्टीज तो इसने बता दी, लेकिन सारी की सारी प्रॉपर्टीज ये नहीं बता पाया, जो कि मेन जो थी सॉल्ट लाइक करेक्टर। तो फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है ब्लोमस्ट्रेंट। ब्लोमस्ट्रेंट उसने भी फिर एक स्ट्रक्चर इसका दिया, ब्लोमस्ट्रेंट। उसने बोला इसका स्ट्रक्चर कैसा है जी, उसने ये स्ट्रक्चर दिया, एन ट्रिपल बॉन्ड एन सी एल। अब ये ऐसा नहीं रहेगा, एन के ऊपर प्लस चार्ज है, चार वैलेंसी है, तो प्लस और माइनस आपस में एसोसिएशन में रहते हैं, है ना। तो उसने ये स्ट्रक्चर दिया, उसने कहा ये स्ट्रक्चर है कि ये जो है नाइट्रोजन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में रहता है और इसके ऊपर सी एल इसके साथ अटैच रहेगा, होगा ही, प्लस है तो प्लस के साथ है। अब ये जो स्ट्रक्चर था ये एक्सप्लेन करेगा, सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन इसमें भी हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की। स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में ही है, और आपको पता होगा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जब हम उसको देखते हैं तो वो एन ट्रिपल बॉन्ड एन ही होती है। तो उसने भी यही दिया, लेकिन थोड़ी सी इसमें एक मॉडिफिकेशन हुई, एक सुधार हुआ। बोला नहीं जी ये सुधार हम करते हैं इसमें। और मॉडिफिकेशन क्या हुआ? ये मॉडिफिकेशन हुआ, स्ट्रक्चर तो वही रहा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन और सी एल हमने बाहर डाल दिया। तो क्या मॉडिफिकेशन हो गया? हाँ, प्लस चार्ज तो रह गई है ना, सेम चीज है, सिर्फ क्या हटाया, हमने कहा जी ये एग्जिस्ट क्या करता है ये ऐसे फॉर्म में, लेकिन क्लोरीन इसके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। ये सॉल्ट की खसूसियत है, जहां पर भी उसको एनाइन को कहीं पर भी केटाइन दिखेगा वो उसके साथ एसोसिएट होना जरूरी होगा। अभी इससे पहले हमने अमीन्स के लेक्चर किए थे, तो अगर आपको याद हो अमीन्स फॉर्म सॉल्ट्स क्या होता है, एक अमीन RNH2 उसके साथ अगर हमने, क्योंकि ये बेस है, बेस क्या कर देता है RNH2HCl, मतलब इसने जोड़ लिया, बेस के साथ एसिड जुड़ा, ये NaCl बना कैसे, NaOH plus HCl, देखो क्या हो गया NaCl, ये बेस और ये एसिड, एसिड और बेस मिलकर ही सॉल्ट बनाते हैं। तो ये अगर अगर देखा जाए तो क्या है, एसिड है, बेस है और ये सॉल्ट है, ये बेसिक चीज, ये एसिडिक चीज, दोनों ने मिलकर सॉल्ट आई। तो जो ये अपने ब्लोमस्ट्रेंट साहब थे उनका जो स्ट्रक्चर था वो डाइजोनियम क्लोराइड का ये बना, क्या जी, नाइट्रोजन पे प्लस और सीएल पे नेगेटिव। अब अगर ये स्ट्रक्चर है तो क्या ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर पा रहा है? ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। जैसे कैकुले ने बोला जो स्ट्रक्चर था उसका भी ठीक था, लेकिन वो आयनिक स्ट्रक्चर नहीं बता पाया है। ग्रिस फॉर्मूला ऐसा था, वो तो कुछ भी नहीं बता पा रहे थे, उसने बोला ये ऐसा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जोड़ दिया, लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर जो है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा है। इसको देख के पहला पॉइंट जिस पे हमेशा ऑब्जेक्शन हुआ है, क्या पॉइंट था, कि ये ऑयनिक बिहेव करता है। बताइए जी ये सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टीज कैसी हैं इसकी? तो सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टी तो दिख ही रही है। अब मैं ये स्ट्रक्चर ऊपर ठीक से लिखती हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि भैया बच्चों ये सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टी है कैसे। देखा जाए, ये है हमारा बेंजीन, ये है हमारा नाइट्रोजन, ये हो गया एजो, अब मैं इसको ऐसे ही बोलूंगी, ये है एजो और ये है क्लोराइड। डाइजोनियम ये हो गया, डाइजोनियम ये हो गया, बेंजीन ये हो गया, क्लोराइड। अब क्या बोलना है हमने कि इसमें सॉल्ट लाइक करेक्टर है, पहला ही बात, आयनिक और सॉल्ट लाइक। तो ये एक्सप्लेन करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, ये प्लस और ये माइनस। तो सॉल्ट का पहला करेक्टरिस्टिक्स पानी में डालेंगे, सॉल्युबल। अब इसको हम वाटर डालते हैं, सॉल्युबिलिटी देखते हैं, तो हमें ये सॉल्युबल दिखता है, इसकी सारी करेक्टरिस्टिक सॉल्युबिलिटी वाली आ गई। और ये तो आपको भी पता ही होगा कि पोलर सॉल्वेंट्स में पोलर कंपाउंड्स ही डिसॉल्व होते हैं, पोलर कंपाउंड्स
सॉल्युबल होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। तो क्या किया हमने, डाइजोनियम क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर क्या बता पा रहा है, हाँ भाई ये पानी में घुलता है, इसका आयनिक करेक्टर है। कैसे करेक्टर है, और देखो ये तो जानते ही हो सबसे पोलर सॉल्वेंट पानी होता है, जो जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतना वो कंपाउंड उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। फिर जब तक ये बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हमारे पास, एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक टेक्निक होती है, और आप पढ़ते भी हो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, उसमें बच्चों एक आता है टेक्निक्स, उसमें आपको कुछ कुछ तो ध्यान भी होगा, वो यही है कि एक आता है अल्ट्रावायलेट, एक आता है इंफ्रारेड, जो हम हमारा ये जो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रम है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, हम उसको मॉलिक्यूल पे डालते हैं, उसमें जैसा जैसा करेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो उसकी हमें पीक मिलती है। आप पढ़ते होंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री में, तो IR ने क्या बताया, IR होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, जो इसका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम था उसने भी इंडिकेट किया कि इसमें जो है ये N ट्रिपल बॉन्ड N Cl टाइप करेक्टर प्रेजेंट है, तो यही स्ट्रक्चर उसने बोला कि हमारा सही है ना, तो उसका क्योंकि IR का ये स्ट्रक्चर है, ठीक होगी। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब इसके दो कंपाउंड्स भी बन सकते हैं आगे डेरिवेटिव्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो बच्चों जानते ही होंगे तुम, क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस और ट्रांस, बिल्कुल सही, जैसे कि हमारे पास ऐसे हो सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एल ले लो, यहां से एच ले लो, यहां से एच ले लो, है ना। तो हम क्या करते हैं, सी एच थ्री और एच अगर एक साइड है तो हम बोलते हैं एक मिनट, एक हमने लिख दिया ऐसे, एक लिख दिया ऐसे, हमने कहा जी ए सी एच थ्री इसके एच के मुकाबले में अलग अलग साइड में है, तो इसको हमने ट्रांस बोल दिया, इसको हमने सिस बोल दिया, है ना। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहां होता है जहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, तो मतलब है इस कंपाउंड में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब वो कैसे है, किस तरीके से है, इसने पूरे एक्सप्लेन कर लिया, इस स्ट्रक्चर ने बोला हाँ जी मैं बताता हूँ इसमें सिस ट्रांस डेरिवेटिव्स कैसे पॉसिबल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं, उसको ऑक्साइम बनाते हैं, हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनाते हैं, और उसके बाद बेंजोएट में कन्वर्ट करते हैं। तो कर क्या रहे हैं हम, डाइजोनियम क्लोराइड को या डाइजोनियम सॉल्ट को हम कोई डेरिवेटिव बना रहे हैं, तो डेरिवेटिव क्या हो गया हमारा, चलिए मैं लिखती हूँ, पहले हम लिखते हैं फिर हम इसको समझेंगे। हमने इसमें डाल दिया NaOH, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, NaOH, NaOH को क्या बोलते हैं बच्चों, अब तक तो पता लग गया होगा, NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ बिल्कुल सही। अब ये क्या बना के देगा हमें, देखिए कोई जादू तो नहीं कर रहे हम, कोई जादू नहीं करेंगे हम, इसको हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में बना दिए हमने, क्या करा ये N प्लस N तो वही रहा, लेकिन इसके साथ किसको जोड़ दिया, Cl को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, OH से, है ना। लेकिन अब OH से जोड़ेंगे तो नेगेटिव यहां भी रहेगा, नेगेटिव यहां भी रहेगा, ये आगे क्या करता है देखिए, हम इसको क्या करना चाहेंगे, हम कहेंगे नहीं भाई हमारा ये चार्ज हम बैलेंस कर दें, हो गया ना बैलेंस, N प्लस O नेगेटिव, हम इसको NOH कर दें। फिर हम इसको डालते हैं हमारे में, इसमें हम डाल देते हैं इसमें NaOH दोबारा से, तो ये बन जाता है, देखिए ये कंपाउंड बन जाता है N ट्रिपल बॉन्ड N O N A, O N A मतलब OH का सॉल्ट बन गया, कौन सा सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, तो डाइजोनियम तो है ही लेकिन साथ में उसका सॉल्ट बना दिया, कौन सा सॉल्ट बना दिया हमने, ओएन ने सोडियम, और इसका नाम हो जाता है सोडियम डाइबेंजोएट, सोडियम डाइएजोबेंजोएट, ठीक हो गया। लेकिन अभी कहानी फिर हो गई, भाई सिस ट्रांस कहाँ आया, अभी बताते हैं सिस ट्रांस कहाँ आया, यहां तक तो क्लियर हो गया, साफ हो गया, ये देखो हमने करा क्या, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बनाया, फिर NaOH डाला और OH की जगह ये हमने बैलेंस कर दिया, क्लोरीन को हटा के OH डाल दिया, OH बनने से ये इसका डेरिवेटिव बन गया, अब ये डेरिवेटिव बन गया तो NaOH डाल दिया, तो हमारे पास अब दो चीजें बन सकती हैं, दो चीजें कैसे बन गई हमारे पास, क्यों,
ये ONA किस तरफ है? एक तरफ होगा बेंजीन के तो सिस हो जाएगा, दूसरी तरफ होगा तो ट्रांस हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कैसे हम स्ट्रक्चर लिखेंगे और जानेंगे कैसे बना ये। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बन गया? C6H5। ये C6H5 क्या है बच्चों? जो बेंजीन, बेंजीन को हम ऐसे लिख सकते हैं, फिनाइल रिंग को ऐसे नहीं लिखा, C6H5 की तरीके से लिख लिया ताकि आपको समझ आ जाए। और क्या था उसके ऊपर जुड़ा? क्या था? N। N के साथ क्या था? N। यहां क्या था? OH। यहां पर क्या है? 2 और 1 3। अगर हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, हाँ ऐसे। अब ये OH और C6H5 किस तरफ है? दोनों अलग अलग तरफ हैं, तो बन गया हमारा ट्रांस। अब हम लिखेंगे सिस का फॉर्मूला। देखिए ONA, सच ONA। अब हमने इसको लिख दिया इस तरफ ONA। ये क्या है? C6H5। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अभी मैंने आपको समझाया किन कंपाउंड्स में होता है, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जिसमें डबल बॉन्ड है। अब आप बोलो ये डबल बॉन्ड कहाँ से आया? जब हमने इसको ये बना दिया NOH, जोड़ दिया था N के साथ N प्लस, ये हटा दिया और ये बना दिया था हमने, ये नेगेटिव। अब हम कह रहे हैं नहीं, हम इसको क्या कर रहे हैं? बैलेंस करने की कोशिश। तो हमने क्या बना दिया इसको? N डबल बॉन्ड NOH। वहां ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, वहां डबल बॉन्ड है, क्योंकि प्लस और माइनस बैलेंस हो गए। अगर हम इसको वापस अपना इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। माइनस चला गया तो ये न्यूट्रल हो गया, ठीक हो गया। और ये OH का नेगेटिव और ये, तो बॉन्ड पूरा कर दिया, तो बना दिया डबल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड से हमारा डबल बॉन्ड बन गया। अब डबल बॉन्ड बन गया तो उसमें हमने सोडियम डाल दिया, ये हमारा डेरिवेटिव। अब सोचो ये ONA और C6H5 बेंजीन, ये कहाँ है? अगर ये दोनों अलग अलग साइड है, एक लेफ्ट और एक राइट, और दूसरे में दोनों ही एक साइड है, ये ONA भी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, O नेगेटिव और Na प्लस, ये दोनों एक साइड है, ये दोनों अलग साइड है। जो अलग साइड होंगे NONA और C6H5, तो इसको हम ट्रांस बोलेंगे। अगर वो दोनों अलग सेम साइड हैं तो हम इसको सिस बोलेंगे। तो हो गया ना हमारा काम कि डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना सकता है? कब? जब हम इसका कोई डेरिवेटिव बनाते हैं। तो ये सारी कहानी जो है इस स्ट्रक्चर ने एक्सप्लेन कर दी। ब्लोमस्टर्न ने जो स्ट्रक्चर दिया उसने बोला जी डाइजोनियम सॉल्ट का ये स्ट्रक्चर है। अब आपको कहानी समझ आ गई डाइजोनियम सॉल्ट क्या होते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण डाइजोनियम सॉल्ट है वो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। उसी को लेके हम देखेंगे कि बनाना कैसे है, इसके साथ साथ रिएक्शंस कैसे होंगी, ये क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, और इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। प्रॉपर्टी तो है, उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना चाहिए। हमें कुछ बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने होंगे, चाहिए होंगे, तो हम कैसे उस चीज का इस्तेमाल करेंगे, कौन स्टेबल होगा कौन स्टेबल नहीं होगा, ये सारी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इसका इंट्रोडक्शन, इसका नाम, इसको बोलने का तरीका, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका स्ट्रक्चर। अब हमने क्या करना है? इसको प्रिपेयर करना है, इसकी सिंथेसिस करनी है, प्रिपरेशन करनी है। और इसका बेटो बच्चों एक ही चीज है, एक सिंथेसिस है, जो तुम्हें लेबोरेटरी स्केल पे करो या इंडस्ट्रियल स्केल पे करो, इसको बनाने का जो तरीका है वो एक ही तरीका है, शानदार तरीका है। और उस तरीके को हम बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हम बनाते किससे हैं, हम इसको हम बनाते हैं इसको प्राइमरी अमीन से। चलो हम पहले लिख ही देते हैं, हम करने क्या जा रहे हैं, प्रिपरेशन। किसकी प्रिपरेशन? डाइजोनियम सॉल्ट की, उस डाइजोनियम सॉल्ट की जिसका नाम है, हाँ जी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हम इसी को एक उदाहरण लेके आगे चलते जा रहे हैं। तो ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हम इसी की प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा जी, अब ये बनेगा कैसे? ये बनता है, पहले तो हम सिंपल रिएक्शन देख लेते हैं, ये होता क्या है भाई, किसके साथ होता है, कैसे होता है, वो बाद की बात है, पर होता किसके साथ है। हम लेते हैं सिंपल एनिलीन। ये क्या है? एरोमेटिक अमीन। इस NH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं? अमीन। सो ये है एरोमेटिक अमीन, और इसमें हम डालते हैं NaNO2। इसको क्या बोलेंगे हम? सोडियम नाइट्राइट। क्या बोलेंगे? सोडियम नाइट्राइट। और डालते हैं हम HCl, और
टेम्परेचर 273 के, क्या होता है 273 के? मैंने के लिखा है, सेंटीग्रेड नहीं लिखा। आप सोचोगे 273 तो क्या हो गया जी, इसको कूल करना है हमने 0 डिग्री पे। अब होता क्या है, ये बन जाता है हमारा हमारा प्रोडक्ट। देखिए एन ए, ओहो एन प्लस ट्रिपल बॉन्ड एन और क्लोराइड साथ में, ठीक है। तो मगर हम डाल क्या रहे हैं, देखो क्लोराइड डालने के लिए HCl, नाइट्रोजन डालने के लिए एक नाइट्रोजन पहले से ले लिया, एक हमने NaNO2 से लिया, ये कहां से आया? तो होता क्या है बच्चों, रिएक्शन तो तुम समझ गए, क्या की रिएक्शन, एनिलीन, एनिलीन में हमने क्या डाला, सोडियम नाइट्राइट, HCl तो जानते हो क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठंडा करना है उसको, ठंडे करने में हमने ये कंपाउंड बना देना है। लेकिन होता क्या है, असली कहानी क्या है, ये जो NaNO2 है और HCl है, ये क्या करते हैं, ये पहले नाइट्रस एसिड बनाते हैं, है ना, क्या बनाते हैं, NaNO2, ये इंटरमीडिएट जो इसमें बनता है वो है NaNO2 और बनाता है HONO, क्या बोलेंगे इसको हम, नाइट्रसो या नाइट्रस एसिड। असली डायजोटाइज बनाने का, डायजोटाइज का मतलब वो दो नाइट्रोजन डालने का जो तरीका है, जो जरिया है, जो रिएजेंट है, जो एक तरीका है उसको अंदर घुसाने का, वो तरीका कौन सप्लाई कर रहा है, वो कर रहा है सप्लाई किसके थ्रू आ रही है, ये जो HONO दिया, ये HONO ही बना पाता है, HONO ही बनाएगा, NaNO2 नहीं बनाएगा। लेकिन होता क्या है, NaNO2 और HCl पहले मिलके नाइट्रस एसिड बनाते हैं और ये रिएक्शन के बीच में ही बनता है। तो बच्चों जब भी ऐसी कोई रिएक्शन होती है तो उसको बोलते हैं इन सीटो, क्या बोलते हैं, इन सीटो। इन सीटो क्या मतलब हुआ कि रिएक्शन के दौरान हमने अलग से HNO2 नहीं बनाना है, क्योंकि ये जितनी जल्दी बनता है उतनी जल्दी खत्म भी हो जाता है। तो क्या होगा, जैसे ही हमने अपना कंपाउंड लिया, HNO2 बनाना है हमें पहले, तब तो रिएक्शन होनी थी, लेकिन हुआ क्या, NaNO2 और HCl पहले आपस में रिएक्ट कर गए, नाइट्रस एसिड बना दिया और उसके बाद बाकी की कहानी हो गई। तो लेबोरेटरी स्केल पे हम जब ये बनाते हैं, जब हमने इसको करना पड़ता है, हम क्या करते हैं, ये जो टेम्परेचर का लेवल है ये 273 से 278 के से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम कोल्ड सोल्यूशन बनाते हैं। हम क्या करते हैं लेबोरेटरी में, ये बहुत बहुत ध्यान से देखनी होती है, हम क्या करते हैं, हम एनिलीन लेते हैं, एनिलीन तो समझ गए, ये एनिलीन ले ली, इसको क्या कर देते हैं HCl में डालते हैं। ऐसे तो हम करेंगे नहीं कि NaNO2 भी डाल दिया, HCl भी डाल दिया और रिएक्शन होगी, नहीं भाई, हम क्या करते हैं, हम एनिलीन लेते हैं उसमें HCl डालते हैं। तो एनिलीन को हम HCl के साथ, अब आपको जानते हो एनिलीन में क्या, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, उदाहरण दिया था, NH2 में क्या है, बेस, HCl क्या है, एसिड, दोनों क्या बनाते हैं, सॉल्ट, वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं और उसको हम ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, कहां, कितना तक, टेम्परेचर 273 से 278 के, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ठंडा आपको बर्फ में रखना पड़ता है, हमने उसको डाल दिया। और अब हम क्या करेंगे, ये कूल होने के बाद, ये जब कूल हो गया, कूल्ड बन गया आपका एनिलीन, चलिए मैं इसको फ्लो डायग्राम बनाती हूं तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे है। एनिलीन मैं लिखती हूँ, एनिलीन क्या करना है जी, इसको इसमें हमने डालना है जी HCl, तो हमारा बन गया एनिलीन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लियर होगी बात, इसको किया जी ठंडा, क्या ठंडा किया, 273 से 278 के तक ही टेम्परेचर रखना है, ये ध्यान रखना है टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ने का मतलब है 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री नहीं जाना है, हम इसको ठंडी ही कंडीशन में रखना है नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। अब इसमें कूल हो गया हमारे पास, ये मामला कूल्ड मिल गया हमें, कूल्ड एनिलीन मिल गया, है ना, इसमें हमने ऐड करना है सोडियम नाइट्राइट, धीरे धीरे शेकिंग से, ठीक है, तो हमारा सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान तो भूल ही गए कि कितना NaNO2 डालना है, ये हमें कैसे पता चलेगा, एक्सेस NaNO2 को हमने अवॉइड करना है, जितना NaNO2 HCl से रिएक्ट कर जाए और HNO2 दे उतना ही डालना है। लेकिन इसको डालने का, इसको समझने का कोई तरीका है, हमें कैसे पता चलेगा हमारी रिएक्शन बन रही है, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा ये जो मिक्सचर है वो मिक्सचर हमने ले लिया और उसमें हम डाल देते हैं KI, क्या डालते हैं, KI स्टार्च,
स्टार्च वाला पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं तो हमें कलर मिल जाएगा। जिस समय कलर आना शुरू हो, अब बोलो जी कलर कौन सा, कलर आता है स्टार्च से। क्या होता है स्टार्च और आयोडीन का, हाँ ब्लू कलर, स्टार्च वाला पोटेशियम आयोडाइड, तो ब्लू कलर आ जाएगा, रंग आ जाएगा ब्लू। हमने क्या करना है, जो हम बना रहे हैं, हम डाल रहे हैं NaNO2 को मिक्स कर रहे हैं, तो क्या हो गया NaNO2 ऐड हो गया। फिर हमने थोड़ा सा लिया और बगल में क्या किया, ट्यूब में KI स्टार्च KI डाला, तो देखा जी ब्लू कलर आने लगा, बस रिएक्शन स्टॉप। ये मतलब है इसके आगे हमने NaNO2 को नहीं डालना है। तो हमारी डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि कंप्लीट हो गई। तो मेथड तो समझ आ गया हमें, हमने करना क्या है, एनिलीन को HCl में डालना है और उसके बाद NaNO2। होता क्या है, जैसे ही जो HCl है वो NaNO2 के साथ मिश्रित हो जाता है, रिएक्ट करता है तो बना देता है HCONO नाइट्रस एसिड। अभी उसका मैकेनिज्म बताएंगे कि हुआ कैसे ये मामला, तो तब जाके वो डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। पर मेथड करने के लिए ध्यान में एक चीज रखनी है, और यही मेथड है प्राइमरी अमीन्स को आइडेंटिफाई करने का, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स को अलग से बता करने के लिए। ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, कौन सा टेस्ट करते हैं, डाइएजो टेस्ट। हाँ ये डाइएजो टेस्ट यही है कि डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, बहुत जगह काम आता है जब इसकी हम रिएक्शंस करते हैं। चलिए समझ गए अब हमें पूरा प्रोसेस समझ आ गया, लेकिन विधि कैसे है, इसका मैकेनिज्म कैसे है? आपको मैं पहले भी समझाती आई हूँ, यहाँ OH आया और यहाँ से CL गया, भैया ऐसे तो कैसे हो सकता है, जो किस तरीके से मैं इस जगह से उस जगह आई, किसी 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 के बीच में से गुजर के आई, पहले मैंने एक सीढ़ी चढ़ी, फिर मैंने प्लेन चढ़ी, फिर मैं सीढ़ी चढ़ी, उस मेथड को क्या बोलते हैं, उस तरीके को क्या बोलते हैं, पाथवे मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म से ये आ रहा है, कैसे कैसे ये चीज बनी, अरे NaNO2 था NO2 कैसे बन गया, वो अभी हम समझाते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का। चलिए बच्चों लिखते हैं, अब ये तो मैंने बता ही दिया आपको क्या NaNO2 क्या बनाता है HCl के साथ, नाइट्रस एसिड, क्या बनाता है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड हो गया OHN डबल बॉन्ड O, हमारे पास एसिड बन गया। ये जो मैं बिंदियां डालती हूँ ये बिंदियां नहीं है, ये क्या होती हैं, लोन पेयर। हाँ ये क्यों बताना है, क्योंकि अभी हमने बहुत सारा काम करना है इस लोन पेयर से। तो ये तो बन गया हमारा HONO, इसका नाम क्या हो गया नाइट्रस एसिड। अब इस नाइट्रस एसिड को हमने जनरेट करवाना है इससे नाइट्रोसो ऑइन, कौन सी ऑइन, ये ऑइन, ये वाली ऑइन नाइट्रोसो ऑइन, ये ऑइन इसमें से जनरेट करानी है, जो बेंजीन के एनिलीन के साथ, बेंजीन के ऊपर जो NH2 है उसके साथ रिएक्ट करेगा, तब जाके हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। समझ गए, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये चीज इसको एच की प्रेजेंस में, एच का क्या मतलब हुआ, एसिड तो डाल ही रहे हो, एसिड का क्या काम, प्रोटॉन को देना, तो ये H प्लस क्या कर सकता है, ये H प्लस ये ऑक्सीजन कहता है तुम्हारे पे तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, मेरे पे इलेक्ट्रॉन है, हम आपस में जुड़ जाते हैं, तो क्या हो गया OH, ये वाला, यहां वाला OH H, इसका भी कारण बताऊंगी क्या क्यों है ऐसा। अब अगर O ने अपने इलेक्ट्रॉन H को दे दिए, H के पास तो कुछ नहीं थी, लेकिन अपने चले गए ना इसके, H के पास तो कोई नहीं, एक बॉन्ड बनाने के लिए दो चाहिए, दोनों इसने दे दिए, जब दे दिए तो अपने के पे चार्ज क्या आ गया, प्लस हो गया ना प्लस, लेकिन प्लस तो ऑक्सीजन रह नहीं सकता, ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होती है, जी भैया मुझे इलेक्ट्रॉन मेरे वापस चाहिए, मुझे वापस चाहिए, और वापस कैसे ले रहा है वो कह रहा है मुझे वापस दो, और ये क्या बन के बाहर निकल जाएगा, देखो बच्चों वाटर निकल गया H2O, कैसे, ये O ये H और H, अब जब ये वापस लेके निकलेगा तो हमारे पास नाइट्रोजन के पास तो अपने इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके पास लोन पेयर था, अब उसके पास प्लस हो गया, क्यों हो गया प्लस बताओ, ये वाला बॉन्ड था, ये वाले बॉन्ड को इसने कहा ऑक्सीजन ने, भाई मैं किससे लूंगा, मैंने नाइट्रोजन से लिए, उसने नाइट्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, वो प्लस हो गया, और ये बन गया हमारा नाइट्रसो ऑइन, नाइट्रोसियम ऑइन, ये है जो हमारा रिएक्टिव स्पीशी है, NaNO2 नहीं है, जो मैं आपको बता रही थी NaNO2 किसका जरिया है, ये बनाने का N प्लस डबल बॉन्ड O बनाने का जरिया है, ये आके हमारा आगे मदद करेगा इसके जरिए, और ये जो चीज हो रही है ये कहां हो रही है, रिएक्शन के दौरान ही हो रही है, जिसको मैंने क्या बताया, क्या बोलते हैं, इन सीटो मतलब होते होते ही हो रही है, हमने तो दो चीजें डाली अपने आप हो रही कहानी, हमने दूध में
सिट्रिक एसिड डाला, हमने नींबू डाला, वो फट गया, कहानी अपने आप होगी, इन सीटू हो गई, अपने आप हो रही है कहानी। क्या बन रहा है, क्या कारण है, वो बाद की बात है। क्या कारण है, एनओ, एनओ कहाँ से आया, NaNO2 और HCl से। पहले अलग से हमने NO, NO2 और HCl लेके HNO नहीं बनाना है, हमने ऐसे ही बनाना है। ठीक हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं कि कैसे बना। चलिए अब हमने इसको अमीन से रिएक्ट करवाना है। अब क्या हो गया, ये आ गया N प्लस और O। अब यहां क्या दिख रहा है, अमीन, अमीन में क्या दिख रहा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या दिख रहा, डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर, और हमें तो ये नाइट्रोजन चाहिए भाई। तो ये कहता है भाई ये लो जी, तुम अपना इलेक्ट्रॉन हमसे ले लो। हमने इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये बन गया हमारा कहानी NHH और N पे वापस, ठीक है, क्योंकि इसके पास थे नहीं, इसने दे दिए, जब दे दिए तो प्लस हो गया। अब कहानी फिर खराब, नाइट्रोजन कभी भी प्लस रहना नहीं चाहता, नाइट्रोजन को हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन भी कभी प्लस नहीं रहना चाहिए, उसको हमेशा भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसने कहा भाई मैं क्या करूं, इसने अपना एक एच खो दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, देखो एन एच एन डबल बॉन्ड ओ। अब हमें क्या मिल गया भाई, ये एच चला गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये हो गया, कहानी हो गई। अब हम फिर इसमें H प्लस डालते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ये N और N चाहिए, ये डबल बॉन्ड O नहीं चाहिए, हमने इसको हटाना है। हम इसको कैसे हटाएंगे, हम पानी डाल के हटाते हैं, मींस पानी करके इसको निकाल देते हैं, जैसे अपने OH में किया नाइट्रोसिनेमोइन बनाने के लिए, ऐसे ही हम इसको करेंगे। अब देखिए साहब ये क्या कर दिया इसने तमाशा, एन एच, चलिए यहाँ आ नहीं रहा है ये, थोड़ा पीछे को चलते हैं, तो क्या कर दिया, इसने ऑक्सीजन ने कहा भाई मेरे पे तो लोन पेयर है, बगल में मेरे तो HCl घूम ही रहा है, H तो है ही, घूम रहा है, घूमते घूमते उस ऑक्सीजन ने अपना H वहां ले लिया, हो गया कहानी। फिर अब क्या हुआ कि ये कहानी तो तभी बनेगी जब इसको एक और OH चाहिए होगा, H चाहिए होगा, तब तो ये बनाएगा, वाटर बनाएगा। लेकिन हुआ क्या, इस एच ने बोला भाई चलो ऑक्सीजन को लोन पेयर दे देते हैं, ऑक्सीजन कह रहा है मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है, मेरे को तो प्लस हो रहा है। तो नाइट्रोजन ने कहा, इस ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन से लिए, ये नाइट्रोजन किससे ले रहा है, इस नाइट्रोजन से, ये किससे ले रहा है, इस हाइड्रोजन से। तो कहानी साफ हो गई, हाँ जी कहानी साफ हो गई, देखिए क्या हुआ। अब यहां बनाते हैं इसको हम एन डबल बॉन्ड एन एन ओ एच, देखो इस एच को छोड़ दिया, मतलब एच चला गया यहां से एच प्लस के फॉर्म में, यहां नेगेटिव आया, इस नेगेटिव ने इसको दिया, इसने इसको दिया, तो कहानी हमारी साफ हो गई, ठीक हो गई, बन गया ये, फिर से एच प्लस आ गया, ठीक है। अब इसने फिर से ले लिया वाटर बना दिया, इसको निकालेंगे और पानी बाहर आ गया और हमारे पास जो हम चाह रहे थे, बगल में हमारे HCl घूम रहा है, N प्लस N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl। जब इसको निकालेंगे तो नेचुरली ये फिर बेचारा डेफिशिएंट हो गया, पानी निकल गया, फिर प्लस आ गया, इसने अपना लोन पेयर दे दिया, वो या तो सेटिस्फाई हो जा, और इसको बाहर निकालते हैं। देखो इसने कहा तुम मेरे से ले लो, ये सेटिस्फाई बाहर निकाल दिया, पानी तो बाहर निकल गया, एन ट्रिपल बॉन्ड एन हो गया, खुद जब लोन पेयर दिया तो कुछ नहीं रहा, प्लस हो गया, बगल में सीएल घूम रहा है, इन्होंने कहा जी हम सॉल्ट बना देते हैं, तो हमारा जो है डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। तो बच्चों ये तरीका है, ये पाथवे है जिससे ये बन जाता है। तो ये डाइजोनियम क्लोराइड बनाने का तरीका, इसका नाम, इसका नॉमेनक्लेचर सब आज हमने कवर अप कर दिया। अब आ गया इसका दूसरा पार्ट, वो होगा क्या, इसकी प्रॉपर्टीज, किसकी वजह से इसकी केमिकल रिएक्शंस है।